जय हिंद साथियों, सुपर टेट और यूपी टेट की आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए और आपके सरकारी टीचर बनने के सपने को पूरा करने के लिए एग्जाम्पल आपके लिए लेकर आ रहा है सुपर टेट प्रतिज्ञा और यूपी टेट का उद्देश्य एप्लीकेशन बैच। इस बैच के माध्यम से आपको मिलेगी अनुभवी शिक्षकों द्वारा लाइव क्लास, उनके द्वारा तैयार किए गए स्टडी मटेरियल, पीडीएफ नोट्स और आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए 10 टेस्ट सीरीज साथ में। इस बैच से जुड़ने के लिए आज ही एग्जामपुर का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करें। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर से संपर्क करें या फिर स्क्रीन पर दी गई इंफॉर्मेशन को फॉलो करें। जय हिंद साथियों, मैं आपके बीच एक बार पुनः उपस्थित हो गया हूँ एग्जामपुर कलम से क्रांति के लिए। क्या आप लोग एग्जामपुर कलम से क्रांति करने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो सब लोग जल्दी से जल्दी लाइव होइए, फिर इसके बाद हम लोग अपने क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए भैया सीमा वर्मा जी, हेलो सर जी, श्वेता तिवारी जी, गुड मॉर्निंग सर जी, सब लोग जल्दी से जल्दी आ जाइए, फिर इसके बाद हम लोग अपने क्लास को कंटिन्यू कर सकें, ठीक है। चलिए देखता हूं। क्लास जल्दी से जल्दी सब लोग उपस्थित होइए, फिर इसके बाद हम लोग अपने क्लास को ताकि कंटिन्यू कर सकें, ठीक है। चलिए दिव्या सिंह जी, हेलो सर जी, चलिए भैया आपको भी सबको हमारी तरफ से गुड मॉर्निंग, ठीक है। दिव्या जी भी उपस्थित हो चुकी हैं, ठीक है। 5 मिनट टाइम व्यतीत हो चुका है, आप लोग जल्दी से जल्दी सब लोग उपस्थित हो जाइए, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्लास को कंटिन्यू करें। आपके सामने ब्लैक बोर्ड बढ़िया से आप लोगों को दिख रहा है? ब्लैक बोर्ड आपको बढ़िया से दिख रहा है? कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए देखता हूं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलिए ठीक, आइए चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है ब्लैक बोर्ड पे आपको बढ़िया से दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए आपसे भैया बहुत बढ़िया, सब लोग जल्दी से आइए, श्रुति चौधरी जी, चलिए बढ़िया है, सब लोग उपस्थित हो जाइए, ठीक है। आपके सामने बिल्कुल स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड बढ़िया से दिख रहा है, ठीक। चलिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। आपके पास 4 विकल्प दिया गया है, ठीक है। व्हाट वाज द स्क्रिप्ट ऑफ अशोकाज इंस्क्रिप्शंस, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी। आपके पास 4 विकल्प दिया है, संस्कृत, प्राकृत और ब्राह्मी और आपका पाली, ये 4 विकल्प आपके सामने दिया गया है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है ब्लैक बोर्ड बिल्कुल दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में देखना चाहूंगा, श्रुति चौधरी जी बहुत प्यारा उत्तर आपका, ठीक है। दिव्या सिंह जी बहुत प्यारा उत्तर, संदीप जी का भी उत्तर, सर मेरा नाम ले लीजिए, चलिए भैया बहुत बढ़िया, ठीक है। मुकेश यादव जी डी विकल्प को सही कर रहे हैं, अच्छा। भैया संध्या जी बी विकल्प सही कर रहे हैं, ठीक है। भूपेंद्र तिवारी जी डी विकल्प सही कर रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, जिनका उत्तर यहाँ अगर गलत हुआ है तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो लोग सी विकल्प आप लोग विकल्प को सही किए हैं, सी विकल्प अशोक के शिलालेखों की जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये प्राकृत आपकी ये भाषा है, ठीक है।
इसके अलावा ये भी भाषा है आपकी, तो बात ये दोनों विकल्प होने तो कोई सवाल ही नहीं है, इसलिए कि भाषा है, बात लिपि की हो रही है, क्वेश्चन आपसे लिपि पूछा गया है, तो संस्कृत भी एक आपकी भाषा है न कि कोई लिपि है, तो आपकी लिपि जो बसती है ब्राह्मी लिपि है। जैसा कि आपको जानकारी होना चाहिए कि अशोक की जो लिपियां हैं वो चार लिपियों में अपनी, उनकी लिपियां कौन कौन सी हैं, ब्राह्मी लिपि, इसके अलावा खरोष्ठी लिपि, ठीक है, इसके अलावा ग्रीक यानी कि यूनानी लिपि, इसके अलावा आर्मेनिक लिपि, ठीक। अशोक अपने शिलालेखों में, अपने अभिलेखों में केवल टू केवल चार लिपियों का ही प्रयोग करते हैं, तो ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और आर्मेनिक, ये चार लिपियां हैं। तो आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया था, तो संस्कृत भाषा थी, प्राकृत भी भाषा थी और पाली भी भाषा थी, तो आपका ब्राह्मी लिपि बिल्कुल सही है। जो लोग सी विकल्प को सही किए हैं उनका विकल्प बिल्कुल उत्तर सही है, बहुत प्यारा उत्तर आप लोगों ने फिर भी दिया। ब्राह्मी लिपि आपकी बाएं से दाएं लिखी जाती है और खरोष्ठी लिपि आप उसको उल्टा कर दीजिए, दाएं से बाएं लिखी जाती है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन इस तरह से सी विकल्प सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम दो की तरफ चलेंगे। इंग्लिश वर्जन वाले भाई आप लोग भी सी विकल्प को सही करिएगा, ब्राह्मी लिपि, ठीक। चलिए आइए चलते हैं हम आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर दो। क्वेश्चन नंबर दो देखते हैं क्या है, बहुत प्यारा क्वेश्चन, ब्लैक बोर्ड आपको बढ़िया से दिख रहा होगा, कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताइएगा, ठीक। क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे, क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि निम्न मौर्य वंशी शासकों में किसने केवल कश्मीर पर शासन किया था, केवल टू केवल बात हो रही है कश्मीर पर शासन करने की, तो यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। हु एमंग द फॉलोइंग मौर्यंस रूलर्स रूल्ड ओनली कश्मीर, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आपके पास चार विकल्प दिया गया है, विकल्प आपके पास बृहदरथ और इसके अलावा दशरथ, तीसरा विकल्प संप्रति और चौथा विकल्प आपका दिया है जालौ। तो मौर्य वंशी शासकों में किसने केवल टू केवल कश्मीर पर शासन किया है, जो आपके पास चार विकल्प हैं, इसी चार विकल्प में से सही उत्तर का आप लोगों को चयन करना है। क्वेश्चन नंबर दो मैं देखना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर दो, श्रुति चौधरी जी भैया ए विकल्प को सही कर रही हैं। श्रुति चौधरी जी, क्वेश्चन नंबर दो मैं देखना चाहूंगा किसको, कितने लोग सही कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दो मैं देखना चाहूंगा कि कितने लोग इसको सही कर पा रहे हैं। दो, सीमा वर्मा जी भी एक के साथ हैं, संध्या जी संप्रति के साथ हैं, अच्छा। चलिए भैया सुनील कुमार जी पहला विकल्प दिए हैं। भूपेंद्र तिवारी जी, बहुत प्यारा उत्तर आपका है, बहुत गजब का उत्तर आपने दिया है। संतोष कुमार जी सी विकल्प को सही करें। शिवानी श्रीवास्तव जी, हेलो सर जी, चलिए भैया आपको भी नमस्ते, ठीक है। भूपेंद्र जी आपने बहुत प्यारा उत्तर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका ये डी विकल्प का उत्तर बिल्कुल सही है। इंग्लिश वर्जन वाले भाई आप लोग भी डी विकल्प को सही करिएगा। जालौ जो है ये अशोक का पुत्र था और यही केवल जो आपके पास चार विकल्प दिया गया है, केवल कश्मीर पर शासन ये जालौ जी किए थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम तीन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर तीन देखते हैं क्या है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीन क्या है। क्वेश्चन नंबर तीन जो पूछा गया है, चरक किस शासक के दरबार में रहते थे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपके पास चार विकल्प दिया गया है। चरक लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ विच रूलर, किस शासक के दरबार में रहते थे, यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। मेरा भारत महान जालौ, बहुत बढ़िया भैया शिवानी श्रीवास्तव जी, जालौ बहुत प्यारा उत्तर आप लोगों ने दिया है, ठीक है। अशोक मौर्य जी ए विकल्प को सही किए थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में आपके सामने बिल्कुल विकल्प उपस्थित हो चुका है, आप लोग इसको सही करिएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर तीन का उत्तर आप लोग दीजिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चरक किस शासक के दरबार में रहते थे? आपके पास विकल्प दिया है कनिष्क, इसके अलावा अशोक, इसके अलावा विकल्प आपके पास जालौ और चंद्रगुप्त मौर्य, ये चार विकल्प दिए गए हैं। तो चरक किस शासक के दरबार में रहते थे, यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर तीन मैं देखना चाहूंगा कि कितने लोग सही। अशोक मौर्य जी भैया बहुत प्यारा उत्तर आपने दिया है, इसके अलावा श्रुति चौधरी जी बहुत प्यारा उत्तर आपने भी ए विकल्प को सही किया है, बहुत गजब का उत्तर आपका है, ठीक है। उज्ज्वल पुष्कर जी तीसरा का ए विकल्प, मृत्युंजय भारती जी तीसरा का बहुत प्यारा उत्तर, कनिष्क शिवानी श्रीवास्तव जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग बहुत बढ़िया उत्तर ए विकल्प सही किए हैं। चरक जो है ये आयुर्वेद के ज्ञाता थे, आयुर्वेद, ठीक। तो इंग्लिश वर्जन वाले भाई आप लोग भी तीसरा का ए विकल्प सही करिएगा, ठीक है। तो चरक जो आपके ये हैं, ये कनिष्क के दरबार में रहते थे, ठीक, कनिष्क के दरबार में रहते, और ये इनके राजवैद्य भी थे। क्या थे? राजवैद्य, ठीक, ये इनके राजवैद्य भी थे चरक। और चरक संहिता इनकी बहुत फेमस रचना है, इनकी चरक जी की एक बहुत फेमस रचना चरक संहिता, ठीक, चरक संहिता इनकी बहुत फेमस एक रचना है, एक ग्रंथ है जो कि आयुर्वेद पर लिखा गया है, ठीक है। चलिए चंद्रगुप्त मौर्य की बात है, मौर्य वंश के संस्थापक हैं, ठीक है, और अशोक जी भी चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार शासक बनता है, बिंदुसार के बाद फिर अशोक शासक बनते हैं, और जालौ जी ये अशोक के पुत्र हैं जो कि कश्मीर पर शासन किए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब हम चार की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर चार क्या पूछा गया है, आइए देखते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल क्वेश्चन उपस्थित हो चुका है, ब्लैक बोर्ड अगर देखने में आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, किस शासक ने गांधार कला शैली को संरक्षण दिया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आपके पास चार विकल्प उपस्थित है, ठीक है। विच रूलर पेट्रोनाइज दी गांधार आर्ट स्टाइल, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। गांधार कला शैली को संरक्षण किसने दिया था, किस शासक ने दिया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर चार। क्वेश्चन नंबर चार का उत्तर आप लोग दीजिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। उमेश यादव जी क्वेश्चन नंबर चार का भी यह बी विकल्प अच्छा, हिना सैफिया बानो जी, चांदनी कुमारी जी बी विकल्प सही कर रहे हैं, बहुत प्यारा उत्तर आपका भी है। संध्या जी बहुत प्यारा उत्तर संध्या जी का भी है, ठीक है। भूपेंद्र जी भूपेंद्र तिवारी जी भी बी विकल्प, बहुत प्यारा उत्तर सब लोगों ने दिया है, बी विकल्प बिल्कुल आपका सही है। क्वेश्चन नंबर चार का इंग्लिश वर्जन वाले भाई आप लोग भी बी विकल्प को सही करिएगा, गांधार कला शैली को जो है कुषाण वंश के जो शासक हैं कनिष्क, उन्होंने गांधार कला को जो है गांधार कला शैली को संरक्षण दिया था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य और ये पुष्यमित्र जो है ये शुंग वंश के संस्थापक हैं, अशोक ये भी मौर्य वंश के शासक हैं, तो कुल मिला के गांधार कला शैली को संरक्षण कुषाण वंश के शासक कनिष्क जी ने दिया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम पांच की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर पांच क्या पूछा गया है, बहुत प्यारा क्वेश्चन, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भागवत धर्म कहिए या इसी को पांचरात्र धर्म भी कहते हैं, ठीक है, भागवत धर्म के संस्थापक कौन थे, यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पांच आपके सामने बिल्कुल स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। द फाउंडर ऑफ भागवत रिलीजन वाज, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आपके पास चार विकल्प राम और कृष्ण, इसके अलावा विकल्प शंकराचार्य, इसके अलावा वेद व्यास, ठीक। तो भागवत धर्म के संस्थापक कौन थे, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पांच, इस क्वेश्चन का आप लोग उत्तर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर पांच उमेश जी भैया डी के साथ, प्रतिभा गौतम जी बी के साथ,
प्रतिभा जी का विकल्प बहुत गजब का है भैया, शिवानी श्रीवास्तव जी का विकल्प वेद व्यास को सही करें, भूपेंद्र तिवारी जी भी बी को, चांदनी कुमारी जी बी को, बहुत प्यारा उत्तर। जो लोग बी विकल्प के उत्तर को सही कर रहे हैं उनका बहुत एग्जैक्ट उत्तर है, ये आपका बी विकल्प का उत्तर सही है। ठीक है, इंग्लिश वर्जन वाले भाई आप लोग भी बी विकल्प को सही करिएगा। भागवत धर्म के संस्थापक कृष्ण थे, ठीक है, जो कि वृषण शाखा के प्रवर्तक थे। ठीक है, चलिए वेद व्यास जो लोग विकल्प सही कर रहे हैं ये आपके महाभारत के लेखक हैं। ठीक है, वेद व्यास जी ने महाभारत लिखा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है, बहुत प्यारा क्वेश्चन एक बार आपके सामने बिल्कुल उपस्थित हो चुका है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तुर्कों के आगमन के समय भारत में, कहने का मतलब तुर्क जब आए थे तो उनके आगमन के समय भारत में किस भाषा का आरंभ हुआ था, किस भाषा की शुरुआत हुई थी, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, विच लैंग्वेज ओरिजिनेटेड इन इंडिया एट द टाइम ऑफ तुर्कों अराइवल, तुर्कों के आगमन के समय किस भाषा का आरंभ हुआ था, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आपके पास 4 विकल्प हैं, उर्दू, अरबी, हिंदुस्तानी और फारसी, तो किस भाषा का आरंभ हुआ था यही आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत प्यारा क्वेश्चन, भूपेंद्र तिवारी जी भैया बहुत प्यारा उत्तर, श्रुति चौधरी जी भी बहुत प्यारा, बहुत उत्तर बढ़िया दिए हैं आप लोग, अंजनी यादव जी डी विकल्प के साथ, उमेश यादव डी के साथ हैं। ठीक, अनु कुशवाहा जी भैया ए विकल्प को सही कर रहे हैं। भैया आप लोग ध्यान दीजिएगा, तुर्कों के आगमन समय भारत में किस भाषा का आरंभ हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। जो लोग डी विकल्प को सही कर रहे हैं उनका उत्तर बहुत एग्जैक्ट सही है, फारसी भाषा का विकास हुआ था। इंग्लिश वर्जन वाले भाई आप लोग भी फारसी भाषा को सही करिएगा। जिनका उत्तर गलत हो गया है, तुर्कों की बात हो रही है तो उर्दू लोग टिक कर रहे हैं जो कि बिल्कुल सही उत्तर, नूतन राज जी ये भी डी विकल्प सही किए हैं। ठीक है, फारसी बहुत प्यारा, चांदनी कुमारी जी डी विकल्प के साथ हैं। चलिए बहुत बढ़िया उत्तर फिर भी आप लोगों ने दिया। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। चलिए ब्लैक बोर्ड आपको बढ़िया से दिख रहा है, कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, किस शैव संप्रदाय के अनुयायी भैरव को अपना इष्ट देव मानते थे, भैरव को इष्ट देव अपना मानते थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। पाशपत संप्रदाय आपके पास विकल्प है, कापलिक विकल्प है, इसके अलावा कश्मीरी शैव आपके पास विकल्प है, इसके अलावा शाक्त संप्रदाय ये आपके पास विकल्प है। ठीक है, चलिए मैं देखता हूं कि कितने लोग इस क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं। किस शैव संप्रदाय के अनुयायी भैरव को अपना इष्ट देव मानते थे, इस क्वेश्चन का आप लोग उत्तर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 उमेश यादव जी बहुत प्यारा उत्तर, हिना सैफ बानो जी, हिना सैफिया बानो जी बहुत प्यारा उत्तर, सरोज पवन जी आप ए विकल्प को सही कर रहे हैं, भैया बी विकल्प उज्जवल पुष्कर जी कापलिक, बहुत प्यारा उत्तर उज्जवल पुष्कर जी आपने दिया है, बहुत बहुत काबिले तारीफ है। चांदनी कुमारी जी ये भी बी विकल्प के साथ हैं, बहुत प्यारा उत्तर। ठीक है, अनु कुशवाहा जी भैया ए के साथ हैं, इंतजार अली जी बी के साथ हैं, बहुत प्यारा उत्तर। ठीक है, चलिए पल्लवी सिंह जी डी विकल्प सही करें, भैया जो लोग बी विकल्प के उत्तर को सही कर रहे हैं ये कापलिक संप्रदाय वाले, ये जो है कहने का मतलब भैरव को अपना इष्ट देव मानते थे। ठीक है, और पाशपत संप्रदाय के जो संस्थापक वो लकलीस हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 इंग्लिश वर्जन वाले भाई आप लोग भी बी विकल्प को सही करिएगा, बहुत प्यारा उत्तर आप लोगों ने दिया है। सर मैं आज लेट हो गया, सॉरी दिनेश यादव जी, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया है, बहुत प्यारा क्वेश्चन, कई बार परीक्षा में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि योग सूत्र के रचयिता कौन है,
ठीक है, योग सूत्र के रचयिता कौन है, यानी योग सूत्र कोई पुस्तक है, कोई रचना है, उसके रचयिता का नाम आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, चार विकल्प आपके पास उपस्थित है। द ऑथर ऑफ योग सूत्र, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, बात योग सूत्र की हो रही है। योग सूत्र ये कोई रचना है, ये किसकी रचना है, यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 मैं देखना चाहूंगा कि कितने लोग इसको सही कर पा रहे हैं। अनूप तिवारी जी बहुत प्यारा उत्तर भैया, उमेश यादव जी बहुत प्यारा उत्तर आपका भी है, संध्या जी का भी बहुत प्यारा, दिनेश यादव जी का भी बहुत प्यारा उत्तर, अनु कुशवाहा जी का भी बहुत प्यारा उत्तर, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रुति चौधरी जी भी बहुत प्यारा उत्तर, ज्यादातर लोग, चांदनी कुमारी जी का भी बहुत प्यारा उत्तर, बहुत बहुत धन्यवाद। पल्लवी सिंह जी भी सी विकल्प के साथ हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत काबिले तारीफ आपका उत्तर। पतंजलि जी, पतंजलि का नाम आप लोगों ने खूब सुना होगा, भैया पतंजलि का सामान ले लीजिए, पतंजलि कोई टूथपेस्ट कर रहा है कोई इस तरह से, पतंजलि भैया, वही पतंजलि जी योग सूत्र की जो है इनकी रचना है। ठीक है, तो पतंजलि जी इसके रचनाकार हैं। ठीक है, तो भैया भारतीय दर्शन में, भारतीय दर्शन में कुल 6 दर्शन जो है, तो उसी में से एक योग दर्शन आपका है। ठीक है, योग दर्शन, ठीक, जिसके प्रवर्तक कौन है भैया, आपके महर्षि पतंजलि जी हैं, महर्षि पतंजलि जी योग दर्शन के हैं, और सांख्य दर्शन के आपके कपिल जी हैं। ठीक है, न्याय के गौतम जी हैं, इस तरह से 6 दर्शन के सब प्रवर्तक हैं। ठीक है, पाणिनी की बहुत फेमस रचना अष्टाध्यायी है। ठीक है, चलिए भैया इंग्लिश वर्जन वाले भाई आप लोग भी सी विकल्प को सही करिएगा। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, बहुत प्यारा क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कनिष्क ने 78 ईस्वी 78 ईस्वी में जिस संवत की स्थापना की उसे क्या कहते हैं, उसे किस नाम से जाना जाता है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। चार विकल्प आपके पास दिए गए हैं। ठीक है, द कल्चर विच कनिष्क एस्टेब्लिश्ड इन 78 एडी इज कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है, उसे किस नाम से जाना जाता है, जिस संवत की स्थापना वो किए हैं कनिष्क जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का सभी लोग बढ़िया से उत्तर देंगे, जल्दबाजी अगर नहीं करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, उमेश जी का भी विकल्प बहुत प्यारा, अनूप तिवारी जी का भी बहुत प्यारा उत्तर। ठीक है, चांदनी कुमारी जी, दिनेश यादव जी, सोनू वर्मा जी, सभी लोगों भैया बहुत प्यारा उत्तर, बहुत बहुत काबिले तारीफ उत्तर है। भैया दिनेश यादव जी भी बहुत बढ़िया उत्तर आपने दिया, सुमन गौतम जी का भी बहुत प्यारा उत्तर, सब लोग शक संबत को सही कर रहे हैं। भैया सब लोग अगर शक संबत को सही कर रहे हैं तो हम भी सही शक संबत को ही सही कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया उत्तर। इंग्लिश वर्जन वाले भाई आप लोग भी शक संबत को ही सही करिएगा, कनिष्क ने 78 ईस्वी में जिस संबत की स्थापना की उसे जो है शक संबत कहते हैं, और विक्रम संबत की जब बात आती है, किसकी, विक्रम संबत। ठीक, विक्रम संबत ये आपका 57 ईसा पूर्व, ठीक, ईसा पूर्व में उसकी गणना होती है। ठीक है, और शक संबत 78 ईस्वी है, ठीक, ये एडी है और ये बीसी है, ठीक, बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व, एडी ईस्वी है। ठीक है, जैसा कि मैं एक दिन आप लोगों को बताया था कि ईसा मसीह, मान लीजिए ईसा मसीह का जन्म यही पर है, ईसा मसीह जी इनके जन्म से पहले की जो घटना होगी, जो डेट होगी, वो ईसा पूर्व बोली जाती है, और ईसा मसीह के जन्म के बाद की जो घटना होगी वो हमेशा ईस्वी में लिखी जाती है। ठीक है, चलिए गुप्त संबत की जो बात है, ये 319 ईस्वी, ठीक, गुप्त संबत 319 ईस्वी, शक संबत आपका 78 ईस्वी, विक्रम संबत 57 ईसा पूर्व में। ठीक, चलिए क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने बिल्कुल उपस्थित हो चुका है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे। आप लोग वीडियो को भी बढ़िया से थोड़ा सा लाइक करते रहिए, ठीक है। चलिए वीडियो को आप लोग बढ़िया से लाइक करते रहिए और अपनी उपस्थिति बिल्कुल दर्ज कराते रहिए, ठीक है। चलिए अनूप तिवारी जी भैया क्या लिख रहे हैं आप। सुमन गौतम जी, ओके सर जी। क्वेश्चन नंबर 10, बुद्ध चरित्र का लेखक कौन था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, बुद्ध चरित्र का लेखक कौन था, ठीक है। हु आर द ऑथर ऑफ द कैरेक्टर बुद्धा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बुद्ध चरित्र का लेखक कौन था, आपके पास विकल्प है हरिशरण, अश्वघोष, इसके अलावा वसुमित्र और कालिदास, ये आपके पास चार विकल्प दिए हैं, ठीक है। बुद्ध चरित्र का लेखक कौन था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, 10 का भी बहुत प्यारा उत्तर भैया दिनेश यादव जी अश्वघोष के साथ हैं, सुनील जी भी बी के साथ हैं, बहुत प्यारा उत्तर, बहुत गजब का उत्तर। अंजनी यादव जी भी बी के साथ, सुमन गौतम जी भी बी के साथ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बुद्ध चरित्र जो है इसके लेखक कौन है, ये आपके अश्वघोष जी हैं, ठीक है। इसके अलावा कालिदास जो आपके पास विकल्प दिया है, ये मालविकाग्नि मित्रम इनकी बहुत फेमस रचना है, नाटक है, ऋतु संहार इनकी रचना है, ठीक है। कालिदास की कई रचनाएं हैं, ठीक है। इसके अलावा हरिशरण प्रयाग प्रशस्त जो कि समुद्रगुप्त के शासनकाल से संबंधित है, समुद्रगुप्त के विषय में अध्ययन, उसके माध्यम से हम समुद्रगुप्त के विषय में अध्ययन करते हैं, ठीक है। चलिए इंग्लिश वर्जन वाले भाई आप लोग भी बी विकल्प को सही करिएगा, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर भैया 11 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। बहुत प्यारा क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। अशोक के समय के ज्यादातर अभिलेख किस भाषा में है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसके पहले के क्वेश्चन में लिपि पूछी गई थी, यहां पर भाषा पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपके पास चार विकल्प, ठीक। इन विच लैंग्वेज आर मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका टाइम्स, अशोक के समय, ठीक। चलिए क्वेश्चन का आप लोग उत्तर बढ़िया से दीजिएगा। ज्यादातर अभिलेख किस भाषा में है, अशोक के समय के जो अभिलेख हैं किस भाषा में है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आप लोग इस क्वेश्चन का उत्तर बढ़िया से दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, बहुत प्यारा उत्तर भैया अशोक मौर्य जी का भी, हिना सैफिया बानो जी भैया आपने पाली को सही किया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आप लोग उत्तर दीजिएगा बढ़िया से। 11 भैया संध्या जी प्राकृत के साथ हैं, बहुत प्यारा उत्तर आपका भी संध्या जी, बहुत बहुत काबिले तारीफ। 11 का भी नूतन राज जी, चांदनी कुमारी जी बी के साथ, कुंदन सिंह जी बी के साथ, सूरज जी भी बी के साथ, बहुत प्यारा उत्तर। जो लोग बी विकल्प के, संजय कुमार जी भैया आप संस्कृत कैसे सही करें संजय जी। कुल मिला के जो लोग प्राकृत के साथ हैं वो उनका उत्तर बिल्कुल एग्जैक्ट सही है। अशोक के समय के ज्यादातर अभिलेख जो हैं प्राकृत भाषा में हैं, और लिपि की अगर बात की जाएगी तो उनकी लिपि हमेशा ब्राह्मी लिपि है शिलालेखों की, ठीक है। तो ये प्राकृत आपकी भाषा है, ठीक। और इसके अलावा ये पाली भी भाषा है, ये भी आपकी भाषा है, ठीक। इसके अलावा एक खरोष्ठी आपकी ये लिपि है, ठीक है। संस्कृत भी आपकी भाषा है, ये आपकी लिपि है, ठीक। चलिए तो बात हो रही थी कि ज्यादातर अभिलेख किस भाषा में है, ये आपके प्राकृत भाषा में है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि महावीर स्वामी अपने उपदेश प्राकृत भाषा में हर जगह दिए हैं, और महात्मा बुद्ध की बात करेंगे तो जनसाधारण की भाषा पाली भाषा में ही वो अपने उपदेश दिए हैं, ठीक है। खरोष्ठी आपकी ये लिपि है, संस्कृत भी आपकी भाषा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 प्राकृत भाषा आप लोग
सब लोग सही करिएगा, इंग्लिश वर्जन वाले भाई आप लोग भी ए विकल्प को सही करिएगा, ठीक है। दिनेश यादव जी लिख रहे हैं ओह गलत हो गया, चलिए कोई बात नहीं दिनेश जी, गलत हो गया तो कोई बात नहीं, पर परेशान मत होइए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से थोड़ा सा पढ़िए, फिर इसके बाद उत्तर आप लोग दीजिएगा, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित हो चुका है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखता हूं, आज आप लोगों की उपस्थिति बहुत कम है, इसका क्या वजह है भैया? ठीक है, उपस्थिति बहुत ही कम है, इसके पीछे क्या कारण है? क्या दिक्कत है? क्वेश्चन जो पूछा गया है आपसे, बुद्ध के समय कोसल का राजा कौन था, यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध के समय कोसल का राजा कौन था, कहां का राजा, कोसल का राजा कौन था? आपके पास चार विकल्प दिया गया है, हु वाज द किंग ऑफ कोसला एट द टाइम ऑफ बुद्धा, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। चार विकल्प आपके पास है, एक चाणक्य विकल्प दिया गया है, दूसरा प्रसेनजीत और तीसरा मेघस्थनीज और चौथा अंगुलमाल। अंगुलमाल का नाम आप लोगों ने खूब सुना होगा, ठीक है। तो बुद्ध के समय कोसल का राजा कौन था, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, भैया ज्यादातर लोग तो सही विकल्प सही किए हैं, उज्जवल पुष्कर जी का भी, दिनेश यादव जी का, ये सब सुपरटेट वाले हैं, केवल सर सीटेट वाले अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। अच्छा अनूप तिवारी जी, बहुत संतोषजनक आपने उत्तर दिया है, ठीक है। चलिए भैया, सोनू वर्मा जी बी के साथ हैं, बहुत प्यारा उत्तर सोनू वर्मा जी भी हैं, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कुंदन सिंह जी प्रसेनजीत के साथ हैं, बहुत प्यारा उत्तर, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रसेनजीत कोसल के जो उस समय राजा थे महात्मा बुद्ध के समय, वो आपके प्रसेनजीत थे, ठीक। चाणक्य भैया, चाणक्य का नाम आप लोगों ने खूब सुना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, ठीक है, चाणक्य इनका दूसरा नाम विष्णुगुप्त भी है, ठीक है। इनका तीसरा नाम क्या है, कौटिल्य भी है। इसके अलावा मेघस्थनीज, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के रूप में, सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में वहां आए थे। अंगुलमाल, ये डाकू का नाम है, ठीक है, अंगुलमाल डाकू, ठीक। ये व्यक्ति की हत्या करते थे तो उनकी उंगली काटकर एक माला बना लिए थे, तो माले को जो है अपने गले में पहनते थे, इसीलिए इनका नाम अंगुलमाल डाकू नाम पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 12 का बी विकल्प, इंग्लिश वर्जन वाले भाई आप लोग भी सही करिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है, चलिए आइए देखते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन, ठीक, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस कला का गांधार कला पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा था, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आपके पास चार विकल्प दिया गया है, विच आर्ट हैड, आपके पास विच आर्ट हैड ए ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑफ गांधार आर्ट, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। किस कला का गांधार कला पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा था, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। पार्सियन कला, सीथियन कला, यूनानी कला और बैक्ट्रियन कला, तो किस कला का गांधार कला पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13, कुंदन सिंह जी बहुत प्यारा उत्तर, बहुत ही गजब का उत्तर आप लोगों ने दिया है, ठीक है। सीमा वर्मा जी भैया बी के साथ हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वैशाली सिंह जी सी के साथ हैं। रेणु बौद्ध जी क्या लिख रहे हैं भैया, दिनेश ये सर ये सब क्वेश्चन सीटेट में नहीं पूछता है क्या? क्वेश्चन सीटेट में पूछता है, लेकिन बहुत कम वहां पर जो है, हमेशा चूंकि सीटेट का जो पेपर होता है आपका, वो सीबीएसई बोर्ड वाले कराते हैं, तो कुल मिलाकर उसमें थोड़ा से क्वेश्चन आपके हमेशा लंबे होते हैं, एथेंटिक क्वेश्चन थोड़ा से कम होते हैं, कुल मिलाकर उसमें दिमागी क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक। सी विकल्प प्रतिभा गौतम जी,
यूनानी क्लब उज्जवल पुष्कर जी, बहुत प्यारा उत्तर, बहुत बढ़िया उत्तर आप लोगों ने दिया है। सी विकल्प के उत्तर को आप लोग सही किए हैं, बहुत ही गजब का उत्तर आप लोगों ने सही किया है। इंग्लिश वर्जन वाले भाई आप लोग भी ध्यान दीजिएगा कि अत्यधिक प्रभाव जो है गांधार कला पे सबसे ज्यादा यूनानी कला का उसके ऊपर असर पड़ा है, उसके ऊपर प्रभाव पड़ा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है भैया? बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत आराम से उत्तर दीजिएगा, नहीं तो आप लोग पक्का उत्तर को गलत कर देंगे। ठीक है, चलिए दिनेश यादव जी ओके थैंक यू सर लिख रहे हैं। दिनेश यादव जी, दिनेश कुमार चौबे जी बहुत बढ़िया चीज लिखे हैं, बात उसी तरह से कुछ है, इसीलिए आप लोगों का टेट का फॉर्म आने में भी थोड़ा सा देरी हुई, क्योंकि इधर बीच पंचायत चुनाव का भी कुछ नजारा इनको समझ में आ रहा है, इसलिए यूपी टेट का जो 28 फरवरी के पेपर होना चाहिए था, प्रस्ताव जो कि शासन को भेजा गया था और उम्मीद थी कि पूरी की पूरी उम्मीद की 28 फरवरी की एग्जाम होगा, लेकिन अब 28 फरवरी की एग्जाम तो सवाल ही नहीं पैदा हो रहा है जिस तरह से स्थिति बनी हुई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथियंसी का लेखक कौन था? आपके पास चार विकल्प हैं, स्ट्रैबो एक विकल्प दिया है, इसके अलावा एक अज्ञात यूनानी नाविक को दिया है, एक इसके अलावा मेगास्थनीज, इसके अलावा प्लूटार्क, आपके पास चार विकल्प दिए हैं। एक क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्वेश्चन कुंदन सिंह जी बी विकल्प सही कर, बहुत प्यारा भैया। दिनेश यादव जी भी, गणेश सैनी जी, गुड मॉर्निंग सर, कहाँ भैया थे अभी गणेश सैनी जी, अभी आप कहाँ पिछड़े हुए थे? शिवानी श्रीवास्तव जी का भी विकल्प बहुत प्यारा है, आनंद त्रिपाठी सबका बहुत बढ़िया, वैशाली सिंह जी बी के साथ हैं, उमेश यादव सबका बहुत प्यारा उत्तर, बहुत गजब का उत्तर आप लोगों ने दिया है। एक अज्ञात यूनानी नाविक जो है ये इस पेरिप्लस ऑफ द एरिथियंसी का लेखक जो है ये एक अज्ञात यूनानी नाविक को, ठीक, तो ये विकल्प आपका सही है। ठीक, न कि स्ट्रैबो, न कि मेगास्थनीज, न कि आपका प्लूटार्क, आपका बी विकल्प बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14 बी विकल्प जो लोग सही कर रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल एग्जैक्ट सही है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन आपसे पूछा गया 16 महाजनपद की सूची किसमें उपलब्ध है? आपके पास चार विकल्प दिया गया है। ठीक है, महाभारत, संयुक्त निकाय, इसके अलावा छांदोग्य उपनिषद और अंगुत्तर निकाय, किसमें जो है 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन का आप लोग उत्तर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 मैं देखना चाहूंगा, अशोक मौर्य जी भैया बहुत प्यारा उत्तर आपने दिया है, रेणु बौद्ध जी भैया बहुत प्यारा, अनूप तिवारी जी का भी बहुत बढ़िया उत्तर, उज्जवल पुष्कर जी बहुत बढ़िया उत्तर, बहुत बहुत धन्यवाद, संजू भाई, शिवानी श्रीवास्तव जी बहुत प्यारा उत्तर, अंगुत्तर निकाय ज्यादातर लोग उत्तर सही करें, पूजा राणा जी बी विकल्प के साथ है, बहुत प्यारा उत्तर, अंगुत्तर निकाय में जो है ये 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध कराई गई है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का इंग्लिश वर्जन वाले भाई आप लोग भी डी विकल्प को सही करिएगा। ठीक है, चलिए छांदोग्य उपनिषद की जो बात है, छांदोग्य उपनिषद में ही श्री कृष्ण को जो है देवकी का पुत्र और घोरा अंगिरस का शिष्य बताया गया है, कभी कभार कई बार क्वेश्चन पूछा गया है देवकी पुत्र और इसके अलावा घोरा अंगिरस का शिष्य किसको बताया, किसमें बताया गया है, छांदोग्य उपनिषद में ही बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका बिल्कुल डी विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर हम 16 की तरफ चलते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन, चलिए ब्लैक बोर्ड बढ़िया दिख रहा हो, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा आप लोग। ठीक, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? Who was the founder of पाटलिपुत्र? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपके पास चार विकल्प, बिंबिसार, ठीक, इसके अलावा अजात शत्रु, इसके अलावा उदयभद्र या उदयन भी नाम, या उदयभद्र कहिए या उदयन कहिए या शिशुनाग कहिए। ठीक है,
तो पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 16। भैया वैशाली सिंह जी, बहुत प्यारा उत्तर, सबका बहुत ही गजब का उत्तर। रंबो कुमार जी सी विकल्प, उज्जवल पुष्कर जी उदयन के, प्रमोद कुमार जी सी के साथ हैं, प्रतिभा गौतम जी सी के साथ हैं, सीमा वर्मा जी सी के साथ हैं, सुमन का बहुत प्यारा उत्तर, बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का, बहुत ही बढ़िया उत्तर। उदय भद्र कहिए या उदयन कहिए, इन्होंने जो है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी, पाटलिपुत्र नगर संस्थापक इनको कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश वर्जन वाले भाई आप लोग भी सी विकल्प के उत्तर को सही करिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा गया है, बहुत प्यारा क्वेश्चन, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे। ठीक, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, किस सूफी, बात सूफियों की आ गई है, किस सूफी ने भारत को धरती का स्वर्ग कहा है। ठीक, भारत को जो है धरती का स्वर्ग किस सूफी ने कहा है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। शेख निजामुद्दीन औलिया, इसके अलावा आपके पास विकल्प दिया गया है अमीर खुर्द, बाबा फरीद और अमीर खुसरो, ये आपके पास चार विकल्प दिए हैं, किस सूफी ने भारत को धरती का स्वर्ग कहा था। क्वेश्चन नंबर 17 मैं देखना चाहूंगा, 17 नंबर को भैया ए विकल्प कई लोग सही किए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 ए लोग, राधे साहू जी, गुड मॉर्निंग सर जी लिख रहे हैं भैया, ए विकल्प को राधे साहू जी, बहुत प्यारा उत्तर राधे साहू जी आपका है, बहुत गजब का उत्तर आपने दिया है, बहुत काबिले तारीफ। अमिताभ बच्चन भैया, कुल मिला के इसका उत्तर आपका ये बी विकल्प उत्तर बिल्कुल सही है, अमीर खुसरो ने जो है भारत को धरती का स्वर्ग कहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 इंग्लिश वर्जन वाले भाई आप लोग भी डी विकल्प को सही करिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम चलते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, कई बार ये एग्जाम में पूछा भी गया है क्वेश्चन। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ठीक, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अशोक के किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। ठीक, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपके पास चार विकल्प दिए गए हैं। ठीक, विच इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका इज कॉल्ड क्वीन इंस्क्रिप्शन, रानी का अभिलेख किसको कहा गया है। ठीक, तो भैया आपके पास चार विकल्प दिए गए हैं, एक धौली, कौशाम्बी और मास्की और गुर्जरा, ये आपके पास चार विकल्प दिए गए हैं, तो किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का भैया बी के साथ है उज्जवल पुष्कर जी, बहुत प्यारा, उज्जवल कौशाम्बी, साहू रिजवी जी, बहुत प्यारा उत्तर आपका भी है। ठीक है, बहुत प्यारा, वैशाली सिंह जी का भी उत्तर बहुत प्यारा है। ठीक है, जो लोग बी विकल्प के उत्तर के साथ हैं, अमिताभ बच्चन जी भी बी के साथ हैं, कौशाम्बी के जो अभिलेख है उसी को जो है रानी का अभिलेख कहा जाता है। ये क्वेश्चन इतनी बार परीक्षा में पूछा गया है कि हम उसको बता नहीं पाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अशोक के किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है, तो आपका कौशाम्बी का ही अभिलेख है जिसको हम रानी का अभिलेख कहते हैं, उसी में जो है अशोक की एक रानी जिसका नाम करुवाकी है। ठीक, क्या नाम है, करुवाकी, उसी अभिलेख में इनका जिक्र किया गया है, अशोक की रानी का, करुवाकी का, जिसमें उनके पुत्र तीवर का नाम आता है, क्या नाम आता है, तीवर। ठीक, तो उसी अभिलेख को जो है रानी का अभिलेख कहा जाता है। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग इंग्लिश वर्जन वाले भाई बी विकल्प को सही करिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आप लोग इस क्वेश्चन को हमेशा ध्यान दीजिएगा कि कौशाम्बी अभिलेख को जो है रानी का अभिलेख कहा जाता है, सम्राट अशोक जो उनकी एक रानी करुवाकी थी
उसमें जो है उनका जिक्र किया गया है और उनके एक पुत्र तीवर का भी उसमें जिक्र किया गया है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या है। बहुत प्यारा क्वेश्चन भैया, एक बार आपके सामने फिर से क्वेश्चन उपस्थित हुआ है। इसको तो हमें उम्मीद है कि ज्यादातर लोग इस क्वेश्चन का बढ़िया से उत्तर देंगे। ठीक है, ब्लैक बोर्ड आपको दिख रहा है, कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा। ठीक, विक्रम संवत की बात हो रही है। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था, विक्रम संवत वाज स्टार्टेड, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो 78 ईस्वी या 57 ईसा पूर्व या 319 या फिर आपका 3102 ईसा पूर्व, ये आपके पास चार विकल्प दिया गया है। ठीक है, विक्रम संवत की बात हो रही है। क्वेश्चन बहुत प्यारा उत्तर, सभी लोग भैया बहुत ही गजब को उत्तर दिए हैं। इसमें गलत उत्तर किसका है मैं देखना चाहूंगा। राधे साहब सबका बी 57 कोई गलत भी किया है। सभी लोगों को उत्तर बहुत बहुत धन्यवाद। मृत्युंजय भारती जी बहुत प्यारा उत्तर, सबका बहुत ही बढ़िया उत्तर, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। बी विकल्प का उत्तर सब लोगों ने सही किया है, बहुत काबिले तारीफ आपका उत्तर रहा। ठीक है, ये आपका 319 ये आपका गुप्त संवत। ठीक, गुप्त संवत जो कि चंद्रगुप्त प्रथम के राज्यारोहण से संबंधित, चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक, चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक, ये आपका चंद्रगुप्त प्रथम से गुप्त संवत शुरुआत होती है 78 ईस्वी कनिष्क के राज्यारोहण। ठीक, तो कनिष्क के समय 78 ईस्वी 57 ईसा पूर्व ये विक्रम संवत आपकी शुरुआत होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम चलेंगे जो कि हमारा बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में देखना चाहूंगा कि क्या है। आपके सामने ब्लैक बोर्ड बिल्कुल दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में देखना चाहूंगा कितने लोग इसको सही कर पा रहे हैं। गांधार कला पर विशेष प्रभाव किसका था, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसके पहले भी एक क्वेश्चन एक पूछा गया था, उसका उत्तर कुछ और था, यहां पर उत्तर कुछ और है। गांधार कला पर विशेष प्रभाव किसका था, आपके पास चार विकल्प दिया गया है। ठीक है, गांधार आर्ट हैड ए स्पेशल इन्फ्लुएंस, स्पेशल मतलब विशेष प्रभाव था, किसका विशेष प्रभाव था, क्या ग्रीक मतलब यूनानी कला या ग्रीक कला कहिए या रोमन कला कहिए या चीनी कला कहिए, यह आपके पास डी विकल्प में है, ए और बी दोनों का। तो क्वेश्चन बहुत प्यारा है, बहुत गजब का उत्तर है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन का आराम से उत्तर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में देखना चाहूंगा भैया, मृत्युंजय भारती जी बहुत प्यारा उत्तर आपका, सुबीर रिजवी जी का भी बहुत प्यारा उत्तर, जो लोग भैया उमेश जी सबका, संजय कुमार जी, संजय जी भैया आपका उत्तर केवल गलत है, बकिया सबका विकल्प ज्यादातर लोग बहुत बढ़िया उत्तर दिए हैं। इसमें आपका उत्तर डी विकल्प का उत्तर बिल्कुल सही होगा। ठीक, यूनानी कला का भी इसमें प्रभाव है और इसके अलावा रोमन कला का भी प्रभाव है। तो कुल मिला के जब इस तरह की क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया और इस तरह से विकल्प दे तो आप दोनों को क्लियर करिएगा, और अगर रोमन कला मान लीजिए विकल्प में नहीं है तो आपका बिल्कुल यूनानी कला होगा और विशेष प्रभाव की बात हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को उत्तर आप लोग डी विकल्प को सही करिएगा, डी विकल्प वाले इंग्लिश वर्जन वाले भाई आप लोग भी सही करिएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए संजय हरदोई से भैया, संजय जी अभी आप कहां थे। ठीक है, मैं बिल्कुल कंटिन्यू फिर से हो गया हूं, आप लोग क्लास में बिल्कुल उपस्थित रहिए 11 बजे की क्लास में। ठीक है, चलिए तो हमारी क्लास अब यहीं पर समाप्त होती है। ठीक, अब हम आप लोगों से अलविदा लेना चाहेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय एग्जाम पेपर।